मंडियों में सरसों की आवक काफी घट गई है। किसानों के पास भी उपज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ऊंची कीमत होने की वजह से पहले ही किसान बिक्री कर चुके हैं। अभी हो रही बारिश रबी फसलों खास करके सरसों के लिए काफी लाभकारी है, लेकिन इससे पैदावार के तैयार होने में देरी हो सकती है। कम उपलब्धता होने से सरसों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। जयपुर में सरसों तिलहन के दाम में 100 रुपए की तेजी आई है, जिससे सरसों तेल तिलहन के भाव में सुधार आया है। मौजूदा बरसात से सरसों को फायदा है, मगर इसकी वजह से मंडियों में मार्च के आरंभ तक इसकी पकी फसल के आने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि देश में सरसों की चौतरफा मांग के बीच यहां मंडियों में आवक निरंतर घट रही है और किसानों के पास भी लगभग 80,000 से 90,000 टन सरसों का स्टॉक रह गया है, जो सरसों का स्टॉक का न्यूनतम स्तर है। इसकी मंडियों में दैनिक आवक 70,000 से 80,000 बोरी ही रह गई है, जबकि इसकी दैनिक मांग लगभग 2,50,000 बोरी की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।